बैरसैंण, भरारीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब राज्य निर्माण हुआ था। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में तिरंगा झंडा फहराया। ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचा हो। सीएम के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। सीएम रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राजधानी गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब राज्य निर्माण हुआ था, एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आज राजधानी अधिसूचित हो गई है और पहला 15 अगस्त हमने यहाँ पर मनाया। 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग अनेकों बार यहाँ पे हम ध्वजारोहण कर चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं। मुझे तो याद है कि हमारे स्कूली बच्चे अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं, लेकिन ऐतिहासिक मौका तब हमारा हुआ कि जब 4 मार्च को यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी इस भराड़ीसैंण गैरसैंण को घोषित किया गया और उसके बाद जब पहला 15 अगस्त आया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन और उनके द्वारा अनेकों घोषणाएं, अनेकों उनके द्वारा कार्यक्रम, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं और सब आप सबको बधाई दे रहा हूं और बस एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, अब हम सब लोग मिलके संकल्पित हों कि कैसे हमारा ये भराड़ीसैंण विकसित हो। इसके साथ ही सीएम ने 76,67,65,000 की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए 12 विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही कोविड महामारी में बेहतर कार्य करने पर स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यावरण मित्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सीएम के द्वारा की गई घोषणाओं में सीएचसी गैरसैंण में 50 बेड के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थापना, भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय की स्थापना, हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन की सुविधा, भराड़ीसैंण क्षेत्र में पंपिंग पेयजल लाइन निर्माण, भराड़ीसैंण गैरसैंण में साइनेज लगाने, भराड़ीसैंण गैरसैंण में जियो ओएफसी नेटवर्किंग का विस्तारीकरण, लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन में 8 कमरों का निर्माण, गैरसैंण ब्लॉक में कृषि विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने जैसी अन्य योजनाएं भी शामिल है। इसमें 50 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सचिवालय की स्थापना की जाएगी, अस्पताल में टेली सुविधा भी प्रदान की जाएगी, भराड़ीसैंण क्षेत्र में पंपिंग पेयजल लाइन का निर्माण कराया जाएगा, भराड़ीसैंण गैस में साइनेज लगाए जाएंगे, भराड़ीसैंण क्षेत्र में जियो ओएफसी नेटवर्किंग का विस्तारीकरण का काम किया जाएगा। बहरहाल गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और सीएम के दौरे से ये उम्मीद भी जगी है कि गैरसैंण सिर्फ घोषणा ही नहीं रहेगी बल्कि इसे संवारने के लिए काम जल्द शुरू होंगे। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।